दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे ICC मेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के बारे में, जो कि यहां से खेला जाएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले हैं जिनका सलेक्शन जो है वो ना के बराबर है, और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर मैं रीसेंट मैचेस का आपको रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में आपकी क्लीन स्वीप करा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 20,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई स्मॉल लीग हेड टू हेड में। भाई ये फ्री एंट्री आपको भी मिल सकती है, कैसे मिलेगी, सिंपली आपको कुछ नहीं करना। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फेव इलेवन ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माई फेव इलेवन आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस माई फेव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लॉस में चल रहे हो, फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो, ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले आपको माई फेव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आपको एक गिव अवे के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है 5,000 रुपीज़ का फ्री गिव अवे रखा है। अब वो गिव अवे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कैसे विन कर सकते हो, देखिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, सेकेंड आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जो 50 मेंबर सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उन 50 में से 25 मेंबर्स को ये गिव अवे मिलने वाला है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करें हमारी टीम के बारे में, विकेट कीपर में मोहम्मद रिजवान का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, नंबर 4 आपको इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे, और काफ़ी अच्छी इनकी रीसेंट फॉर्म चल रही है, इंडिया के सामने भी इनका रिकॉर्ड अच्छा ही है। रीसेंट के अगर 5 मैचेस के बारे में मैं बात करूँ दोस्तों, कि इनके रीसेंट के 5 मैचेस तो तकरीबन 400 से ज़्यादा इन्होंने रन बनाए, तो आप खुद देख सकते हो और परफॉर्मेंस इनकी अच्छी रही होगी। वहीं दोस्तों KL राहुल का आपके पास ऑप्शन है, ये भी आपको नंबर 5 खेलते हुए नजर आएंगे, रिकॉर्ड इनका भी अच्छा रहा है पाकिस्तान के सामने दोस्तों, ये आपने देखा होगा। रीसेंट के 3 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 170+ इन्होंने रन करे, मुझे लगता है इनको भी आप लेके चल सकते हो। ईशान किशन सेलेक्शन कम है, मुझे लगता है इस मैच में शायद इनको मौका नहीं मिले, क्योंकि गिल आपको जो है शुभमन गिल ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। अगर रीसेंट फॉर्म के बारे में बात करें, इतना अच्छा नहीं रहा है परफॉर्मेंस, कुछ मैचेस में फ्लॉप होते हुए रहे हैं। रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तकरीबन 90+ इन्होंने रन करे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। बट मे बी जितना मुझे लग रहा है कि गिल को मौका मिल जाएगा। फिलहाल विकेट कीपर में मैं मोहम्मद रिजवान को अपनी टीम में रख रहा हूँ, आप चाहो तो राहुल को भी रख सकते हो। बैटिंग में विराट कोहली का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, देखो विराट कोहली की रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, पाकिस्तान के सामने इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो इनको भी रखना। रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो अच्छा रहा है पाकिस्तान के सामने, और रीसेंट में अफगानिस्तान के सामने शतक लगाए, तो ये दोनों जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडिया की साइड से। अब दोस्तों बाबर आजम के बारे में बात करें, नंबर 3 आपको खेलेंगे, बट एक चीज़ बताओ, इंडिया के सामने इनका रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा नहीं है। रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, तकरीबन 200 से ज़्यादा इन्होंने रन करे, बट इंडिया के सामने मे बी फ्लॉप होते हुए नजर आते हमेशा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। शुभमन गिल इस मैच में आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे रोहित शर्मा के साथ, तो इनको आप अपनी टीम में रख सकते हो। रीसेंट फॉर्म इनकी अच्छी चल रही थी दोस्तों, 4 मैचेस अगर मैं बात करूँ रीसेंट के किस टाइप के रहे, तो तकरीबन 300+ इन्होंने रन करे, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर ग्रैंडली खेल रहे हो तो एक काम कर लेना, इंडिया की टीम से विराट कोहली, रोहित शर्मा इनको ड्रॉप करके श्रेयस अय्यर को अपनी टीम में रखना और इनको कैप्टन कर देना, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर जल्दी फ्लॉप हो गया इंडिया का बाय चांस अगर होता है, तो गिल आपको मिडिल ऑर्डर में एक अच्छी इनिंग्स खेल के दे सकते हो, सेलेक्शन भी कम है, आपके लिए हीरो बन सकते हैं। रीसेंट 4 मैचेस के बारे में बात करूँ जो इन्होंने खेला था, 180+ रन इन्होंने करे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है।
इमाम उलक, मुझे लगता है इस मैच में इमाम उलक को जो है टीम बाहर कर सकती है और इनके प्लेस पे फ़कर ज़मान को रख सकती है। दोनों का रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा है इंडिया के सामने, खासकर फ़कर ज़मान का रिकॉर्ड अच्छा है तो फ़कर ज़मान को मौका मिल सकता है। हालांकि परफॉर्मेंस दोनों का इतना अच्छा नहीं है दोस्तों। अब्दुल्ला शफीक लास्ट मैच इन्होंने खेला था और शतक भी लगाया था, तो इनको टीम कंटिन्यू रखेगी। रीसेंट के अगर 5 मैचेस के बारे में हम बात करें किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस रहा और किस टाइप का नहीं रहा, तो देखो रीसेंट 5 मैचेस अगर देखते हैं टेस्ट वनडे वगैरह सब मिला के, तो उसमें तकरीबन यहाँ पे 300 रन इन्होंने करे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है दोस्तों। साथ ही साथ में अगर यहाँ से हम बात शकील के बारे में, मिडिल ऑर्डर संभालते हुए नजर आएंगे, ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा। अगर आप बाबर आजम, फ़कर ज़मान इनको रख रहे हो तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ उनको ड्रॉप करते हो तो आप इनको रख सकते हो। फिलहाल विराट कोहली को मैं रख रहा हूँ, रोहित शर्मा एक अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं दोस्तों, और मैं यहाँ से अभी के लिए बाबर आजम को रख रहा हूँ। बाकी गिल अगर खेलेंगे तो टॉस के बाद मैं डिसाइड करूँगा, खेलेंगे वैसे मुझे लग रहा है, और फिर मैं इनको रखूँगा ही रखूँगा। ऑलराउंडर में हार्दिक पांडे एक अच्छे ऑप्शन होने वाले, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग आपको दोनों करके देते हैं दोस्तों। नंबर 6 आपको बैटिंग करके देंगे प्लस बॉलिंग पूरे ओवर करवा लेते हैं, 60-80 ओवर कम से कम। रीसेंट 4 मैचेस के बारे में हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों, तकरीबन इन्होंने जो है 7 विकेट निकाले, परफॉर्मेंस अच्छा रहा और बैटिंग भी करेंगे। शादाब खान अगर पाकिस्तान पहले खेले जब इनको ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग कर सकते हो, सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर को हेल्प मिल सकती है, क्योंकि ये अहमदाबाद का जो ग्राउंड है दोस्तों काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे स्पिनर जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। रीसेंट 4 मैचेस के बारे में बात करूँ, 4 विकेट इन्होंने निकाले, बैटिंग भी कर सकते हैं। जडेजा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि मैंने आपको बोला इस पिच पे स्पिनर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, तो जडेजा स्पिन बॉलिंग करवाएंगे, मे भी विकेट निकाल दे। रीसेंट के 4 मैचेस में अभी तक वैसे 6 विकेट निकाले प्लस बैटिंग भी करके देते हैं। इफ्तिकार अहमद अगर आप बाबर आजम को रखते हो, मोहम्मद रिजवान को रख रहे हो, तो फिर इनको ड्रॉप कर देना, उन दोनों को ड्रॉप करते हो तो आप इनको रख सकते हो। दोस्तों ग्रैंडली खेल रहे हो तो मोहम्मद नवाज को ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि इस पिच पे स्पिनर जो है परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो मोहम्मद नवाज भी आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। रीसेंट अगर 5 मैचेस के बारे में बात करूँ, 4 विकेट निकाले प्लस बैटिंग भी कर लेते हैं। एक चेंज आपको नज़र आ सकता है इंडिया की बॉलिंग में, रवि अश्विन को मौका दिया जा सकता है दोस्तों शार्दुल ठाकुर के प्लेस पे, क्योंकि स्पिनर को इस जो पिच होने वाली है वहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। तो अश्विन खेलते तो इनको ज़रूर ट्राई करिएगा ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में, इनका अगर खेलते तो मैं आपको टॉस के बाद पूरा अपडेट कर दूंगा। फिलहाल तो मैं यहाँ से हार्दिक पांड्या रखने वाला हूँ दोस्तों, जडेजा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिनको आप रख सकते हो, इन दो को मैं रखूंगा ही रखूंगा डेफिनेटली दोस्तों, और यहां से शादाब खान, 3 अभी ऑलराउंडर रहेंगे। बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह आपको ओपन डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे, परफॉर्मेंस इनकी अच्छी चल रही है। वैसे रीसेंट अगर 4 मैचेस के बारे में बात करूं दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में, 10 विकेट इन्होंने निकाले। शाहीन अफरीदी का रिकॉर्ड इंडिया के सामने अच्छा रहा है, सिलेक्शन कम है बट इंपॉर्टेंट होने वाले, ओपन डेथ में आपको बॉलिंग करवाते हुए नजर आएंगे। रीसेंट 5 मैचेस में अभी तक 4 विकेट इन्होंने निकाले दोस्तों। वहीं मोहम्मद सिराज ओपन डेथ में ये भी बॉलिंग करवाएंगे, और पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है तो सिराज विकेट निकाल के दे सकते हैं। रीसेंट 4 मैचेस के बारे में बात करूँ, 8 विकेट इन्होंने निकाले। हरीश रॉफ मिडिल ओवर्स और डेथ में बॉलिंग करवाएंगे, पाकिस्तान बॉलिंग करे पहले तो ज़रूर रखना। इंडिया के सामने वैसे रिकॉर्ड अच्छा रहा है, रीसेंट 5 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो 6 विकेट इन्होंने निकाले दोस्तों। हसन अली आपको स्टार्टिंग में बॉलिंग करवा के देते हैं, ओपन में रोहित शर्मा करेंगे और गिल मुझे लगता नहीं इतने विकेट आपको निकाल के दे देंगे। यदि पाकिस्तान बॉलिंग करे तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। रीसेंट 5 मैचेस के बारे में बात करूँ, 8 विकेट इन्होंने निकाले। कुलदीप यादव इंपॉर्टेंट होने वाले, स्पिन फ्रेंडली पिच है तो आपको यहाँ पे विकेट निकाल के दे सकते हैं। रीसेंट 5 मैचेस में अभी तक 5 विकेट निकाले बट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके अलावा शार्दुल ठाकुर आप इनको ट्राई कर सकते हो दोस्तों, सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा अच्छे ऑप्शन होने वाले, क्योंकि स्लो बॉल्स करवाएंगे, वेरिएशन है तो विकेट निकाल के दे सकते हैं। बाकी कोई खास ऑप्शन नहीं है फिलहाल, मैं बुमराह, शाहीन अफरीदी, सिराज और रौफ को अपनी टीम में रख रहा हूँ। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, विराट कोहली का रिकॉर्ड पाकिस्तान के सामने अच्छा रहा है तो मैं इनको कैप्टन करूंगा। वाइस कैप्टन के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, जिनको आप वाइस कैप्टन कर सकते हो इस मैच में, थोड़ा डिफरेंट अगर करना चाहो तो हार्दिक पांडे एक अच्छे ऑप्शन है। बॉलिंग में आप अगर जाना चाहते हो तो कुलदीप यादव आपके लिए अच्छे बन सकते हैं, उनको अपनी टीम में आप रख सकते हो। मैंने अभी नहीं रखा लेकिन मैं रखूंगा ज़रूर, बाकी शाहीन अफरीदी भी है। फिलहाल मैं हार्दिक को वाइस कैप्टन कर रहा हूँ। फिलहाल ये हमारी टीम है, आप इसके साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। अगर आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में,
₹10,000 की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, कुछ नहीं करना, सिंपल सबसे पहले माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैव 11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो, माई फैव 11 ₹20,000 की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में, तो बस माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मैच टाइम टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और मैच टाइम एक्टिव जरूर रहिएगा।